छोटे से गांव से निकलकर शीर्ष पर पहुंचने वाले अजीत प्रमोद जोगी जीवन के किसी संघर्षों से घबराने वाले अजीत प्रमोद जोगी हर अवरोधों को पार करने वाले अजीत जोगी लोगों के दिलों में राज करने वाले अजीत जोगी अजीत प्रमोद जोगी का वो इंटरव्यू जिसे वो बताते थे अपने जीवन का सबसे अच्छा इंटरव्यू। आप बहुत बढ़िया मोर इंटरव्यू लिया जेना मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यू। देसी टाक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद आपका। बात की शुरुआत करथन, आपके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई से? मैं अपन गांव के साला में पढ़े रहे हूँ। छोटा कन रही दो कमरा के तो कभी कभी ज़्यादा हो जानता पासेज में पीपर के झाड़ रही ओखर नीचे भी पढ़े हाँ। कोनो ऐसन शिक्षक जिन आपला याद हो वो समय स्कूल के समय में जिन आपला प्रेरणा दे हो कि आगे बढ़े पर जिन शिक्षा दे हो? वैसे तो प्राइमरी स्कूल में तो प्राथमिक स्कूल में सब टीचर अच्छा लगत रही ना, सब ऐसे डर और लगत रही नटखटी बहुत करत रहो कोनो ला छेड़ना कोनो ला कुछ करना ऐसे करना तो मोला तरह तरह की सजा मिले। हाँ। एक ठे सजा जन सबसे खराब लगी मोला। हाँ। प्राइमरी स्कूल में। हाँ। एक दिन गुरुजी बोली से मानबे नहीं करे लड़का। हाँ। पढ़ लेते पहले तो याद हो जाते एक ला। हाँ। फिर बाकी मन ला डिस्टर्ब करत रही थी तो कैसे करो कैसे करो तो हमारे लड़का मन के अलग लाइन रहीस। हाँ। और टोरी मन के अलग लाइन रहीस। हाँ। तो मोला दो टोरी के बीच में बैठा दी। अरे बाप। और पहली कक्षा के बच्चा। हाँ। दो टोरी के बीच में बैठ गया तो मोला ऐसे लगा कि भगवान कैसे यहाँ पहुँचा दे मोला, ना एती कर सकूँ ना ओती कर सकूँ। हाँ। और दोनों टोरी मोर से उमर और बड़े नहीं। अच्छा। हंसा खिलखिल खिलखिल कराए और मोला कुछ बोला नहीं बनाए। कि जैसे मोला जहाँ तक ध्यान है कि एक बार गांव में एक कलेक्टर साहब आईन और जो नौकर रुतबा रही से बोला देख के बड़ा प्रभावित हो वहीं से यू टर्न ली जिंदगी है। सब तैयार हो के धोती कुर्ता तान के एकदम स्टेशन जावत नहीं तो मुहूर्त लगी से यार कैसे कौन आदमी आते देखे बार चलो। हाँ। तो गैन तो बढ़िया रेबन के चश्मा पहने रहीस। अच्छा। और गोरा चिट्टा रहीस ओखर पारसी रहीस हीरजी नाम ओखर रहीस। अच्छा। बोमी हीरजी बड़ा सुघर दिखा बहुत सुंदर जैसे फर्स्ट क्लास के डिब्बा में उतरी से वो समय ऐसी नहीं होती। फर्स्ट क्लास के डिब्बा से उतरी तो सब हमार बड़े बड़े सियान जिसका गोड़ हमन छुआन वो सब ओखर गोड़ छुआ। अच्छा। मोला लगे यार ये कैसे आदमी है नौजवान आदमी और सब सियान मन खर गोड़ छुआ थे तो का है तो मैं पूछूं कौन कौन सी का चीज है। अरे ते नहीं जाना जिला के माई बाप है कलेक्टर है तो मैं कहूँ मन मन के हूँ यार ये तो बढ़िया हो गए नौजवान आदमी और सब बुजुर्ग सियान उनका गोड़ छुआ थे तो मोहूला इसने चुबनना है ऐसे उंगला लगी तो मैं फिर पूछे पर चालू करें कि भाई कैसे बनते हैं कलेक्टर। एक बहुत बढ़िया गुरुजी तब हाई स्कूल में मिली। अच्छा। ओखर नाम रही श्री काठपतवाल। अच्छा। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मोला मोला लगते कि मोला सही दिशा में ले जाए कि वही प्रयास करीस वही मोला आई एस शब्द बताईस और मोला थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करे कि थोड़ा अंग्रेजी पढ़ हमारा अंग्रेजी बहुत कमजोर रही काबर हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़े रहे आई एस में हिंदी मीडियम नहीं रहीस अंग्रेजी मीडियम में होत रही तो बोलीस बेटा तुला आई एस बढ़ना है तो
अंग्रेजी लसुधार, तो मोला ओखर घर में अंग्रेजी के पेपर आए, तो मैं पुराना पेपर ला मोला दे दे पढ़े बर पढ़े बर। वो समय में बड़ मुश्किल लगा थी, मैं डिक्शनरी लिख के रख के पढ़ो, भार्गव के डिक्शनरी अंग्रेजी हिंदी होते हैं, तो जन समझ में ना आए तो हाँ, तो एक पेज पढ़े में समझ लिए एक घंटा लगा। पर मोर अंग्रेजी सुधारे के काम भी वहीं से चालू। इंजीनियरिंग के तरफ आपके झुकाव कैसे हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके प्रवेश कैसे हुई? हम गणित में पढ़े रहे, गणित अच्छा रही, तो सब लोग मालूम रही गणित पढ़ते बोला इंजीनियरिंग जाना है। और हमार गांव से दो ठे कॉलेज नजीक में नहीं, एक रायपुर के एक जबलपुर के, उस समय बिलासपुर कॉलेज नहीं रही इंजीनियरिंग के, तो मैं दोनों जगह के आवेदन करे रहे। पर मथुर प्रसाद दुबे जी हमारे यहाँ से कोटा के मंत्री रही, अच्छा हमारे क्षेत्र पढ़े, तो हमारे स्कूल में बांटे बर आइस, इनाम दे बर आइस, तो मोला कई ठे इनाम मिलिस। अरे हाँ, आज हम तोला बहुत पुरस्कार दे हन, हिंदी में बोलिस, और का करे के दादा तो? तो मैं कहूँ मैं रायपुर और जबलपुर इंजीनियरिंग पढ़ा था, पढ़े बर कोशिश करा था। अरे तो नंबर तो आते के कहूँ हो जाए, पर छोड़, न जबलपुर जाना है न रायपुर जाना है, हम नवा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं भारत शासन के भोपाल में, मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नवा बना थे, और उन्हें पढ़, ये कॉलेज में कोई कुछ नहीं रखे। और मोर बाबूजी लोग बोले चिंता मत करबे, भोपाल दुनिया पढ़ते तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं वहीं रहता हूँ, जब लड़का लोग को तकलीफ हो ही था मोर से मिल सकते, अगर मैं भोपाल नहीं गए होते ना तो वहाँ जाग जन आईएएस आईपीएस के रुतबा देखा हूँ, निकले तो ये सिल्यूट मारा है, वो सिल्यूट मारा है, वो गोड़ छुआ है, ये गोड़ छुआ है, और नरोना जी की तो व्यक्तित्व तो बिल्कुल जिला का सत्थन आईसीएस अधिकारी रही, और ओखर यहाँ मुख्यमंत्री मिले जाए, अच्छा वो जमाना वो मुख्यमंत्री से मिले नहीं जाते रही, ओखर इतना रुतबा रही, रुतबा रही। तो तब बोले लगी यार वही जन मोला काठपताल जी का रहीस, और हीर जी लजन देख रहे हो, ये बड़े मन के ऐसे मन थे, और सब आई एस देखा, तब मोला फिर लगीस कि अब कुछ भी हो जाए, इंजीनियरिंग तो करा वहाँ तो ठीक ठाक नंबर ला के यूनिवर्सिटी में पहला आ गया हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद कैसे आगे की पढ़ाई करे आप? इंजीनियरिंग में जैसे मोर मन मन तो आगे रही कि आईपीएस आईएएस बनना है, दुर्भाग्य से वो समय आईएएस की उम्र 21 साल कम से कम, और आईपीएस के 20 साल, मैं दोनों के बीच में रहा, तो पहली परीक्षा में मैं आईएएस में नहीं बैठ सके, मुला आईपीएस में बैठना पड़ी, वो आसान भी पड़ी, बहुत अच्छा हो गया। वो समय इंजीनियरिंग मेडिकल के किताब बहुत महंगा, बहुत महंगा, और गरीब आदमी लेना मुश्किल रही, तो बेचारा वो अग्रवाल जी मुला बहुत मेहनत करी, तो ओखरे पास गया मैं, बोले अग्रवाल जी मैं रिजल्ट आया थे, मैं पहला नंबर तो आ हूँ, मोर सब बढ़िया पेपर गए है, पर मोर इच्छा नौकरी करे के नहीं है इंजीनियरिंग के, मोर इच्छा आईएएस बने के। अरे हमार मध्य प्रदेश से तो कौनो बनबे नहीं करे, आज तक कोई आईएएस की किताबें चले बर नहीं आए, अब तो ना कैसे ये शौक चढ़ गए, मैं उन मुलत शौक चढ़ गए इच में बनना है, देव भाई मोला कोनो किताब देव, तो मैं इतिहास और राजनीति दो विषय ले, और तीन तो अनिवार्य रही, और तीनों के फिर मैं बोला कि हूँ भाई पांच विषय है, पांच किताब दे मोला, तो मैं डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन रही एक श्रीवास्तव जी, वो मोला चिन्हत रही, काबर स्कूल में आत रही, कॉलेज में आत रही, और मोर से प्रभावित रही, काबर मैं पढ़े में अच्छे रहे हूँ, खेले में भी अच्छे रहे हूँ, तो मैं ओखर कमरा में गया हूँ कि अब मोला का करना है, मोला तो आईएएस बनना है, और ये बीच में कैसे करूँ, अक्टूबर का, अक्टूबर का, तब बोले यार तय तो फर्स्ट नंबर आ था, तोला कहीं भी लेक्चर लगा दे, कहाँ जावे, मैं कहूँ रायपुर, अच्छा नजीक पढ़ी, रायपुर कर दूँ,
तैसे मैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर वहाँ आके वो क्रच बाद एकदम अप्रैल मोला अप्रैल एंड वहाँ मोला लगता है रिजल्ट आई सो इसने मोला बिना इंटरव्यू बिना कोनो चीज के काबर सबसे ज्यादा नंबर रही तो वहाँ कोनो प्रश्न कर नहीं सकते नहीं तो मोला फिर यहाँ के मैकेनिकल विभाग में लेक्चरर बना के भेज दे और कॉलेज में ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ती एक पीरियड टू पीरियड ज्यादा से ज्यादा और बाकी समय फ्री रहन तो फिर आई एस ला तैयारी कर ऐसे करके मोर आई पी एस की तैयारी तो बढ़िया हो गए और परीक्षा हो गया अक्टूबर में और बढ़िया नंबर पास हो गया हूँ आई पी एस बन गया हूँ तो यहाँ नौकरी छोड़ के आईपीएस बन गया। कलेक्टर कब बने आप? पर जब मैं मसूरी गया ना ट्रेनिंग पर वहाँ मोर मन बदलीस। अच्छा कैसे बदलीस कि वहाँ आईएएस भी रहे आईपीएस भी रहे और आईएएस वाले हमन ला एकदम निचला दृष्टि से देखा है आईपीएस वाले ला तुमन पांच विषय पढ़ के आए हो मन आठ विषय पढ़ के आए हमन कलेक्टर बनबो तो एसपी बनबे हम तो और कैरेक्टर रोल लिखबो तो वन हम लोग हे भावना से देखा है तो मोले लगी से यार तुम आईएएस बन सकता तो मैं भी बन सकता हूँ एमए का है तीनों विषय तो पढ़ना है पढ़ ले हम तो फिर आईपीएस में रहते रहते मैं आवेदन कर दूँ टाइम नहीं मिला प्लीज तैयारी करें सब कहें कि एक बार आईपीएस के वो ट्रेनिंग पूरा हो जाए तब बैठे मैं कहूँ नहीं मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं यहीं से बैठूँ तो मैं जिन लंच ब्रेक मिला है ना थक तो जाते रहे हूँ पर वही में पढ़ाई करत रहे हूँ। अच्छा हाँ और वही में मोर आई एस की तैयारी हो गए और फिर आई एस में बैठे वो सैलरी से हुआ जब सिलेक्शन हुआ 67 के परीक्षा में 68 आईपीएस बने हूँ और 69 के परीक्षा में हिंदुस्तान में आठवां नंबर आ गया। वाह बहुत बढ़िया पाँच लाख आदमी में आठ बोला आप बता रहे हो कि पहली जब तनख्वाह अपना मिली तो पहली लक्ष्य से अच्छा कपड़ा लेना है अपना ओखर बारे में बताओ अपना मैं वो समय कार कर रहा हूँ कमीज मोर हमेशा सफ़ेद रहे ओखर कारण ये रही कि चाहे दो ठे रहे चाहे तीन ठे रहे कोनो नहीं जानी कि एक पास दो ठे कमीज है तो जब तनख्वाह मिलीस तो मोर शौक रही कि यार कपड़ा का शौक तो बहुत रही काबर नहीं पहने लो मिले रही तो मैं कहूँ पे तनख्वाह ला कपड़े में लगा हूँ। एक किस्सा थे कि जब जहाज लेके राजीव गांधी जी यहाँ आए उस समय रायपुर कलेक्टर आप रहे हो ओखर बारे में आप बताओ। ओहू मोर जिंदगी के जिन एक बहुत बड़े मोड़ आईस कि आईएएस से मैं राजनीति में आए ओमा सबसे बड़े योगदान मोर रायपुर कलेक्टर के कार्यकाल रही काबर मैं यहाँ कलेक्टर रहा तो राजीव जिला एवरो चलाए बहुत बड़ छोड़ जहाज ली तो एवरो में चला के आए तो बोला ये रूट के ज़्यादा इच्छा रहती रही यही में ज़्यादा चला है दिल्ली दिल्ली से इंदौर ग्वालियर इंदौर नहीं ग्वालियर नहीं दिल्ली इंदौर भोपाल रायपुर। अच्छा ऐसे हॉपिंग फ्लाइट रही और यहाँ रायपुर आके रुका है दो चार घंटा रुका है सुबह आ जाए और फिर संझक जाए यही रास्ता में। अच्छा तो दो तीन घंटा वाला रुकना पड़ा और यह वो अपन डब्बा बला रही सोनिया जी बना देते रही सैंडविच काफी अला पिया है तो पुरुषोत्तम कौशिक जी के धन्यवाद अभी नहीं है तो वो समय यही विभाग के मंत्री रही कौशिक जी बहुत अच्छा रही तो बोला हाँ इशारा कर दें आज राजीव चला थे ऐसे बोला जी तो नहीं कहते रही ऐसे बोला कलेक्टर साहब राजीव चला थे थोड़ा देखभाल कर ले भाई और कभी कभी जब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाए कौशिक जी के तो मैं महू चले जाते रहे कमरा में। अच्छा हाँ तो मुलाकात हो जाए हाथ मिलान और मुलाकात मालूम नहीं इसकी कभी प्रधानमंत्री बनी वो संजय गांधी जमाना नहीं तो तब बोले खर पर्सनैलिटी बहुत बहुत सुंदर दिखे वैसे सुंदर आदमी मैं कथन दुनिया में शायद कौन हो इतना स्मार्ट दिखे पायलट के ड्रेस में गोरा चिट्टा गुलाबी एकदम सुर्ख एकदम और बढ़िया बाल और ड्रेस में इतना सुंदर लगा कि
मोला ओखर सुंदरता प्रभावित करे, ओला मोर विद्वता प्रभावित करे। और ये 3 साल के कार्यकाल में कई बार मुलाकात हुई। और मोला नहीं मालूम रही कि रहीस कि ओला कहूँ सुरता रही। अब नियति के खेल चल गए, संजय गांधी मर गए, इंदिरा जी मर गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, और वो फिर नवा नवा आदमी मान ला दूसर क्षेत्र से, जैसे अरुण सिंह ला, अरुण नेहरू ला, प्राइवेट कंपनी से लाई, तो वैसे एक आदिवासी नेता की तलाश कर। दिग्विजय हमन एक संग पढ़े रहे, तो मोर मंत्री जरूर मान गए रही, इस पर मोर ओखर से मैं कलेक्टर रहे, तो आपसी मित्रता के संबंध पहले पढ़े रहन साथ तक बने रही, तो वो जानत रही। मैं बोला कभी बातचीत में बता रहे हूँ कि राजीव गांधी आत रहीस तो मुलाकात होत रही। ओखर दिमाग तेज है बहुत। वो अर्जुन सिंह ला बोले एक है नाम हमारे पास, ये नाम लेवे तो वो नाम कट जाही। और राजीव गांधी कूद के ला लपक ली, तो फिर मोर नाम लिस अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह। तब पूछिस वही है रायपुर में रहीस का? हाँ साहब वही छे, आजकल इंदौर में है। अरे अरे बहुत बढ़िया आदमी, इसी को लाएंगे यार। बोले अच्छा लगाओ फोन, कैसे कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री तो बात करना चाहते, दिन भर तो मिलवे नहीं करे। तो मैं बोलो भाई मैं गांव के दौरा में रहा हूँ, वायरलेस हूँ जरूर, खबर आती उस समय मोबाइल के जमाना नहीं है, वहाँ से फोन नहीं लगा है, तो मैं नहीं बात कर पाया। अब लौटे हाँ तो बात करा था, करा दो बात। तो कहाँ बात करा, वो बोले अभी अभी उठ के गए है राजीव गांधी जी अपन फार्म हाउस, वो तोर बार एक आदेश है। क्या आदेश है? आप लो अभी इस्तीफा देना। मैं बोले क्या भर दो, अभी इस्तीफा देना है। और 12 बजे दिग्विजय सिंह प्लेन लेके आते है, वहाँ बैठ के दिल्ली भोपाल जाना है, इस्तीफा तुम्हारा भोपाल से फॉरवर्ड हुई, दिग्विजय बोला प्लेन से दिल्ली लाही, रातें में मंजूर हुई। और दूसरे दिन सुबह तो नॉमिनेशन फाइल करे पहली, तोला इस्तीफा मंजूरी के मिल जाए और तोला राज्यसभा बनना। मैं क्यों कैसे गोट करा था, मैं मोला सोचे कि मौका दे भाई, इतना बढ़िया नौकरी कलेक्टर करा था हूँ, और मोला रिजाइन करे वाला वहाँ कोई भविष्य की भरोसा नहीं है, कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। तो बहुत लंबा कहानी है, वो 2.5 घंटा में मैं काखर से बात कर रहा हूँ, फोन आना चालू हो गया, फैल के बात सब, कोनो बधाई देवत है, कोनो कहे मत जाओ, कोनो कहे जाओ, IAS वाले कहे मत जाए यार, कहाँ राजनीति में फंस गए, तो करियर बहुत बढ़िया चला थे, ऐसे ऐसे। तो मैं अपन सवारी लो ले, चल गाड़ी में बैठ, यहाँ तो बात करे का मौका नहीं मिला, दोनों जन तो बात कर ले, वो 12 बजे तक फैसला करना है, 2.5 घंटा बजे बचे रही। तो गाड़ी में बैठ गए, सामने भट रही गुजराती ब्राह्मीन वह, तो मोर पिए रही स्टेनो जिला कहते हैं, वह कूद के सामने बैठ गया, हम दोनों जन पीछे, और गाड़ी लेके ऐसे चरण बात करते रहे। मैं बोला देख ऐसे ऐसे बात है, क्या करना है, सुवारी ले पूछे, ओहू सकारात्मक बोल दे कि देख भाई मैं तो कॉलेज पेंटिकल कॉलेज में पढ़ा था, मोर तनख्वाह उनका ठीक ठाक है, अमित ल पालक जवाबदारी मोर है, ते चिंता मत करके घर द्वार कैसे चले, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं चला ले हूँ, तोला जाए की इच्छा है तो हाँ कर दे, मैं रिकावट नहीं का। तब भट्ट बोलिस साहब ये फैसला साईं बाबा करी। मैं बोले कैसे? वो साईं बाबा भक्त रही, कुछ पढ़ी सुढ़ीस साईं बाबा के जाप करीस, और एक लॉकेट रखे रही साईं बाबा, बोले कि साहब ये फैसला साईं बाबा करी, ऐसे करके उछाल दी। अब बोलिस बताओ साईं बाबा फोटो है कि साईं बाबा के जाप जन लिखे रही वो है? मैं बोले फोटो है, तो ऐसे निकालिस तब फोटो रही। बोले अब फैसला हो गए, साईं बाबा के आदेश हो गए, अब जान करना। तब मैं कहा चला एयरपोर्ट चला, दिग्विजय सिंह के बैठ के एक कागज में इस्तीफा लिखे सादा कागज में, और दिग्विजय सिंह के संग बैठ के प्लेन में भोपाल आए, भोपाल एयरपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी सब जना रही। बिहाव जब आपकी हुई, जब बिहाव फिक्स हुई, तो आप उस समय शेड्यूल कलेक्टर रहे हो, सीधी कलेक्टर रहे हो आप उस समय, आप सीधी कलेक्टर रहे हो, और मैडम जिन है पेंटर रोड में फिर आप दिखाई गई, वो बात ला बताओ कैसे बिहाव फिक्स हुई। ओहो बड़ मजेदार किस्सा हवा है, तो ओखर फूफी और मोर दाई के
मित्रता होगी, घर ज्यादा दूरियां नहीं है, आसे पास है, मतलब पड़ोसी समझ लो, दोनों नौकरी के दोस्ती हो गए। और मैं तब तक कलेक्टर बन के रहा, और झूठ नहीं बोला, मोर शादी करेंगे कोई दूसरी जगह इंतजाम कर ले रहा हूँ, प्रेम विवाह के IAS में। तो मोर माता जी थोड़ा पसंद नहीं रही कि इतना, वो एकदम जब दिखाए बताए तो एकदम दुखी हो गए, अंग्रेजी में गुठिया है और हाई फाई रही, तो बोले से तो हमार घर हुआ गांव में एडजस्ट नहीं हो पाई। तो वो खर मन रही कि कोई ज़्यादा शांत स्वभाव के होना चाहिए। तो दोनों जन फिर डोकरी डोकरी गुठिया के तय कर लिए कि ये हमार बेटी और तुम्हार बेटा बिहार ना चाहो। तो मोला सीधी टेलीग्राम कर दिन और लिख दिन कि माता जी बहुत गंभीर है, तत्काल आओ। तो मैं दौड़त भागत पहुँचे हूँ, तो मोर माता जी तो एकदम ठीक बैठे रही। तो मैं कहूँ आप तो एकदम ठीक हो, काबर बुला ले। अरे बेटा बहुत सुंदर लड़की आए, डॉक्टर है अमेरिका के, ओखर बड़ प्रसिद्धि हो गए है 8-9 महीना में, 200-300 गांव के मरीज मनाते हैं और कोई लोग वापस नहीं करे, ऑपरेशन भी कर देते, गोली भी देते, बहुत सुगर लड़की है और हमन दोनों जन तय करे हैं, देख ले। हाँ दोनों जन तय करे हैं, देख ले। तब वो प्रेम लम फिर मैं भूल गया, माँ के आदेश रहीस तो मैं बोला देख लेता हूँ, मन आधा रहीस देख लेता हूँ। तो फिर कर घर गए ना समझा, दुर्भाग्य से लाइट ऑफ हो गई। तब मोला थोड़ा जम गए। आप प्रवक्ता भी बने हो, अभी वर्तमान में जिन प्रवक्ता आप दिखता हो, आप भी प्रवक्ता की बड़े जिम्मेदारी में रहे हो, उस समय आप लोग बड़ा अवसर मिली जब आप राजनीति में आ गए, तो ओखर बारे में बताओ कि प्रवक्ता में का गुण होना चाहिए। मोला ये मालूम है कितना बताना है और कितना नहीं बताना, नहीं बताना ये बहुत जरूरी है प्रवक्ता बात, ठीक है ना, का चीज बताना है और का चीज नहीं। पर जानकारी प्रवक्ता ला पूरा होना चाहिए। एक कारण से मैं प्रवक्ता ला ये हमेशा कहता हूँ कि तुम्हार एकदम हेड से जोन भी अध्यक्ष है पार्टी के, ओकर से डायरेक्ट संबंध रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से भी, सुषमा स्वराज जी से भी वही समय मित्रता होगी, काफी दूनी दुए जन तो जाए डिबेट में, ठीक तो एक ही गाड़ी में जान। हाँ वही मैं जानना चाहता हूँ, एक गाड़ी में अपन जाओगे और एक ही गाड़ी में वापस आओ। तो मोला पहले ले फिर मोला ड्रॉप करो। और फिर तो मोदी जी की तो एक कमरा में रहती है बीजेपी ऑफिस के पीछे, क्वार्टर नहीं है, लॉटरी से MP नहीं रहीस, वो मोर पास तो अच्छा घर रहीस। तो जब लौटत रहे तो मैं बोला कहूँ यार तो नहीं, हाँ चाय वो नहीं मिला, ये बैठ जा चाय, पोहा के शौकीन रहीस, पोहा बनवा देते रहे ना कभी कुछ और भजिया वजिया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने के सौभाग्य आप ला मिलीस, ओखर बारे में बताओ, वो कैसे बने हो आप? शुरू में ऐसे तो नहीं रही, इसके नाम नहीं रही सोमा, लेकिन फिर आप आए हो, फिर बने हो और 3 साल बड़ा गजब के लिए। मोर प्रवक्ता के जन काम है वो बहुत काम आई। जब छत्तीसगढ़ राज की विधेयक पास हो गए तो जितना पत्रकार टेलीविजन लॉबी रही मोरिच पर लॉबी करे पूरा सब नेता के पास जाए और मन के पहुँच रही, तो मोला कोई ज़्यादा दिल्ली में लॉबी करे की जरूरत नहीं पड़ी। माहौल बन गए कि जोगी से अच्छा कोई नहीं हो सके। हालांकि मोर ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता रही, विद्याचरण जी रही, श्यामाचरण जी रही, मोतीलाल वोरा जी रही, आदिवासी में अरविंद नेताम जी, और बहुत मतलब कोनो कमी नहीं रही। कांग्रेस में तो बड़े बड़े नेता रही और कोनो सोचबे नहीं करे रही कि मोर नंबर लग सके। मोहूला ज़्यादा उम्मीद नहीं रही, पर इच्छा रही ऐसे तो मैं मना नहीं कर सका। तो अब ये चीज तो एकदम सीक्रेट है पर बताता हूँ आपका कि मोला 1 महीने पहले सब लॉबी कनेक्ट रही, 1 महीना पहले सोनिया जी मोला बता दे रही, मोर से गलती होगी तो ला बता दे। पर ये बात तोर और मोर के अलावा रेणु लवी मोर पत्नी के नाम लेके बोली ओहू ला नहीं पता चलना चाहिए, सीक्रेट रही तब तो ठीक है। मधुबाला आप लोग बहुत पसंद है, ओखर बारे में बताओ।
तो फिल्म बहुत देखे हो मधुबाला क्या आप? पर मोर जमाना मां दूजन मोर फेवरेट है, हीरो में दिलीप कुमार और हीरोइन में मधुबाला। ओकर से सुगर चेहरा मोला लगते आज तक भारतीय फिल्म के स्क्रीन में नहीं आए। ठीक है, जितना सुंदर वो रही और आज भी मैं ओकर बहुत बड़े फैन हूँ और जिन जिन पिक्चरों में गाना गाया है सब मोर पास आवे। अच्छा, जब दोनों में रहता हूँ तो सुनता हूँ ला। हाँ। अच्छा लगता है। खाए में आप का पसंद करते हो, जिन आपके फेवरेट डिश हो? हमारे तो छत्तीसगढ़ी है ठेठ, तो पसंद तो छत्तीसगढ़ी भोजन है, जिमी कांदा है, मुनगा है, बरी है, भाजी है, रकम रकम के भाजी, 50 तरह के भाजी खाओ। हाँ, आजकल खेक्सी आते हैं, पुटू आते हैं, बोड़ा आते हैं, पीली आते हैं, यही चीज मोला ज्यादा पसंद। जोगी जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुघर बात आप बताए, वैसन बात बताए मोला इसे लगते कि बहुत झन झन है नहीं जानत हुई और देसी टॉक के माध्यम से उमल्ला जाने के मौका मिली। आप लोग गाड़ा गाड़ा धन्यवाद देवत हूँ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू ले हम वो लोग खुश कर दे। हाँ, कोनो ऐसे व्यक्तिगत सवाल पूछे हो बहुत कम जन ऐसे पूछे हुए और आप लोग मैं दिल खोल के सब सब गोठ लो आप लोग बता दे। हाँ, मोर ये उम्मीद है, दो तरह की उम्मीद है कि कोनो कोनो एकर से प्रेरणा ले सकते हैं और कोनो कोनो जिन छत्तीसगढ़िया बाद में चला था छत्तीसगढ़िया की भलाई के वो तरफ आकर्षित होनी ये इंटरव्यू लोग देख के ये मोला पूरा उम्मीद है। आप बहुत बढ़िया मोर इंटरव्यू ले रहा जेना मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में वन ऑफ माई बेस्ट इंटरव्यूज आप ले हर बार आप ला फिर से मैं धन्यवाद धन्यवाद देवा।